लो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि जो चांदी की जो मूर्तियाँ होती हैं वो उनको कैसे हम क्लीन करें। बहुत ही सावधानी से इसको क्लीन करें। अब इसको गर्म पानी में मत डाला करें, मूर्तियों को भगवान को गर्म पानी में नहीं डालते हैं। और इजी वे में आप इसको क्लीन कर सकते हो, आप टूथपेस्ट से या टूथ पाउडर से भी क्लीन कर सकते हो। देखो मैंने आज किसे इनको क्लीन किया है टूथपेस्ट से। देखो ये मेरी काली हो रखी है चांदी की मूर्तियाँ, इसको हम क्लीन करेंगे। पाउडर डाल देंगे इसको, आधा घंटा इसको लगाकर छोड़ देंगे। फिर इसको साफ ब्रश से, न्यू ब्रश से करना है आपने क्लीन, इसको पुराने ब्रश से नहीं करना, क्योंकि ये भगवान की मूर्तियाँ हैं, इनको फ्रेश जो है कि इससे करेंगे ब्रश से साफ। तो पाउडर इसको हम डाल देते हैं और आधा घंटा छोड़ देते हैं। तो देखिए आप कैसे हम अपनी जो मूर्तियाँ जो है क्लीन हो जाएंगी। काली जो हो रखी थी चांदी की मूर्तियाँ, इसको हम साफ कर देंगे। पहले इसको मतलब कि एक पानी से निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें पाउडर इसको अच्छी तरह मल देंगे हम, थोड़ी देर के लिए रख देंगे इसको आधा घंटा। अच्छी तरह मलना है इसको दोनों हाथ से। मैंने एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसकी वीडियो बना रही हूँ मैं, तभी मैं एक हाथ से कर रही हूँ। तो मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट गया है, इसलिए मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो अब इसको हम छोड़ देते हैं आधा घंटा के लिए। तो ये देखिए मैंने नया ब्रश लिया है, आप नया ही ब्रश लेना, पुराना ब्रश नहीं लेना आपने। देखना कैसे क्लीन हो जाएंगी हमारी मूर्तियाँ। दिवाली से पहले हम सारी सफाई करते हैं, तो मंदिर भी साफ करते हैं। जो चांदी की मूर्तियाँ होती हैं ऐसे पड़ी पड़ी थोड़ी सी काली हो जाती, चांदी जो असली चांदी होती है वो काली हो जाती है। तो इसको हम साफ करके भी रख सकते हैं अच्छी तरह। तो अब इसको हम मल देंगे अच्छी तरह, फिर इसको पानी में डाल के साफ करेंगे। ब्रश से थोड़ा मलेंगे, थोड़ा ब्रश से मल के फिर पानी में से क्लीन कर देंगे। देखो कितना पानी गंदा निकला है। तो अब इसको ये देखो कितनी साफ हो गई हैं, बिल्कुल नई जैसी हो गई हैं। तब इसको सूखे कपड़े से अब इसको क्लीन कर लेंगे, फिर साफ पानी से भी निकाल लेंगे इसको अच्छी तरह। ये देखो साफ पानी से मैं निकाल रही हूँ। अब इसको हमने साफ कपड़े से क्लीन कर लिया है। तब इसको हम मंदिर में रख देंगे। चांदी की प्लेट है नीचे, उसके ऊपर वो कुछ रखा कपड़ा, उसके ऊपर हमने भगवान जी को रख दिया। साफ मूर्तियाँ हो गई हैं चांदी की। आप भी ऐसे इसको सावधानी से करें क्लीन, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको क्लीनिंग बताई है। बहुत करेंगे मेरी शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखें।